रेडी गो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? और हमारी अभी सुबह हुई है, और सुबह जो है वो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सुबह ये हुई है 4 बजे, लेकिन हमारी सुबह हुई है अभी, और हमारा नाश्ता भी यहाँ पर आ चुका है। अब हम करेंगे नाश्ता। पहले तो नाश्ता करेंगे, नाश्ते के बाद हमारी एक है मीटिंग, मीटिंग में जाना है, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद नाश्ता करके। तो गाइस, हम नाश्ता कर चुके हैं, बिल्कुल रेडी हैं हम लोग जाने के लिए, तैयारी चल रही है। और फिर देखें हम लोगों की जो मीटिंग है, मीटिंग के अंदर अभी फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, हम लोगों को थोड़ा जल्दी जाना था। 1 hour later हैं, और ये माशाल्लाह पार्लर है इनका, सेटअप है इन लोगों का। देखें अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अच्छा आंटी, ये सेटअप आपने अभी स्टार्ट किए? 25 साल की है। ठीक है, स्टार्ट किए पहले मेरा परफेक्ट जॉब किया था, ब्लॉक 17 है, 20 इयर्स। अच्छा, वहाँ पर भी था? जी हाँ, अभी भी वहाँ से है, और अभी हाँ मैंने शिफ्ट किया है। अच्छा अच्छा, तो है यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है? जी बिल्कुल, अलहमदुलिल्लाह अलहमदुलिल्लाह अलहमदुलिल्लाह। हो गई आपकी मीटिंग? हो गई मिसबा से? कैसी रही मीटिंग? साथ काम करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ काम करेंगे, इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा। ठीक है ठीक है, हम यहाँ पर आ चुके हैं, देखेंगे यहाँ पर इनका पूरा सेटअप है। अच्छा, वो वहाँ पर क्या है उस साइड पे? वो फेशियल रूम अभी स्पेशल बनाया हुआ था इन्होंने, फेशियल रूम। उसको मैंने हिंदी में कहा, मैंने उन लोगों को कहा कि हम यहाँ पे। तो आंटी, जो आप कल्चर डे रख रही हैं, जो जिसे हैं, उसमें क्या क्या आप वो लगाएंगी डील्स वगैरह? डील्स हम लोगों ने अभी तो सोची कि फेशियल पे हम लोग ये करें, मेहंदी फ्री लगाएं, और मेकअप पे कटिंग फ्री रखेंगे, ठीक है ना? इस तरह की हम लोगों ने डील्स सोची हैं। तो यानी कि बहुत सारी अच्छी अच्छी डील्स हैं इंशाल्लाह, इरादा यही है कि हम लोग डील्स अच्छी करेंगे, और ताकि लोगों को पता चले हमारे पार्लर का, और हमारा पार्लर अभी यहाँ पे नया जो मेरे नाम से आएगा ना, उसको उसको देंगे डिस्काउंट देंगे। हाँ, उनको 40% डिस्काउंट देंगे, आपकी रेफरेंस से जो भी आएगा उनको 40% डिस्काउंट। जी भाई गाइस, हमारी मीटिंग तो जो है वो डन हो चुकी है, और इंशाल्लाह जो है वो आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, तो उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या हमारी डील्स हुई हैं, और ये भी आपको बता देंगे जो जो हमारे प्लान्स होंगे यहाँ पर। मल्टीपल जो है वो विजिट्स हमारे होते रहेंगे, उसके हवाले से हम आपको गाइड करते जाएंगे, ठीक है? तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आंटी आपसे मिलके। ठीक है, फिर इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आंटी से जो है वो मुलाकात होगी यहाँ पर। चले हम लोग अब निकलते हैं। पेड प्रमोशन हमारी बिल्कुल ओपन हो गई, पहले हम लोग शुरू में नहीं इस तरह की पेड प्रमोशंस वगैरह दे रहे थे, लेकिन ऑफिशियली हमने जो है वो यही बात सोची है कि हम लोग जो है वो पेड प्रमोशन को शुरू किया जाए, और एक प्रॉपर इसके ऊपर काम किया जाए, क्योंकि लोग हमसे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, लोगों ने वीडियोज़ वगैरह देखी हैं हमारी, पुरानी वीडियोज़ देखी हैं, पुराने ब्लॉग हमारे देखें, तो पुराने ब्लॉग के अंदर उन्होंने यही देखा कि हम लोग जो है वो बड़ा प्रमोट करते हैं ना इस तरह से, खाने के हवाले से हो, किसी के को फूड का कोई रेस्टोरेंट वगैरह हो, तो हम लोग उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, तो लोग हमसे जो है ना वो कोऑर्डिनेट करते हैं इसी हवाले से कि यार हमारे भी रेस्टोरेंट को जो है वो प्रमोट कर दिया जाए, या जिनका अगर उस तरह का कोई काम है तो उसको चाहते हैं कि वो प्रमोट करें। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, अभी उससे बातचीत चल रही है, हमारी डील चल रही है, देखें अब वो लोग क्या जवाब रिस्पॉन्स करते हैं।
अगर वो सॉफ्टवेयर कंपनी भी वो करती है तो फिर इंशाल्लाह आपको उनके सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो है उसकी भी हम लोग जो है वो पेड प्रमोशंस यहाँ पर जो है वो स्टार्ट करेंगे। जी तो भाई आ गए हम लोग घर, हो गए हमारी मीटिंग कंप्लीट, आगे देखते हैं अब क्या प्रोग्राम होता है। अरे हाय मगरिब हो गई है यार, चाय वाय तो बना दो। चाय तैयार है और हम लोग लेकर आए हैं कुछ समोसे, ये भी रेडी है बिल्कुल, गर्म गर्म समोसे भी लेकर आ गए हम। चाय के साथ समोसे चलेंगे अभी, ठीक है, अभी थोड़ा सा फ्रेश होके उसके बाद फिर समोसे खाते हैं। चले लेते आओ समोसे आ गए। और क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ जो है वो लाजमी स्पेंड किया करें, जब भी आप लोगों की छुट्टी हो तो कोशिश किया करें कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये इंतज़ार कर रहे होते हैं बच्चे भी ना कि किस वक्त हमने जो है ना वो बाबा आएंगे और किस वक्त हम लोग जो है वो इस तरह का इंजॉय करेंगे। तो ये टाइम बहुत स्पेंड किया करें, मीनफुल होता है ये बच्चों के लिए, बहुत अच्छा लगता है। आप ये समोसा खा लें वरना ये बच्चे खा जाएंगे पूरे। बेहतरीन, जबरदस्त। और चाय भी आ गई है यहाँ आपकी, सकता है अच्छा सिप्तान इतना क्यों बोलता है? आप बोलते थे अपने बचपन के अंदर सिप्तान के पास इतनी बातें होती हैं करने के लिए कि मतलब कोई बैठ जाए इसके साथ तो कोई बोर नहीं हो सकता। बोलते रहेंगे मुस्तकिल बोलते रहेंगे, चलो खैर अच्छी बात है, बोलना चाहिए, घर में रौनक रहना चाहिए। खामोश बच्चे जो होते हैं वो फिर लाइफ में उनके लिए कॉन्फिडेंट बहुत जाना वो हो जाता है, लूज कर जाते हैं बच्चों को। अच्छी बात है, जितना बच्चे बोलने वाले बच्चे होंगे ना वो उनके लिए फ्यूचर में, इन फ्यूचर उनके लिए बड़ा अच्छा रहता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंट रहता है, वो हर किसी बंदे के सामने बात कर सकते हैं। हाँ ये बात तो अच्छी है, हमारे दोनों बच्चों में ये बात बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। चलें अब मैं भी खाती हूँ, मैं भी खा लूँ, मिलने छोड़ चलें, थोड़ी देर के बाद मिलते। क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा सा काम कर रहा था। अच्छा अगर फ्री हैं तो एक मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है। अच्छा क्या? सही है, एक चैलेंज है, मैं आपको कुछ ड्रॉ करके दूंगी, ठीक है, कुछ ऐसा करना है आपको, एक लाइन ड्रॉ करनी है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं कि ये सिक्स बन जाएगा। कुछ ऐसा करना है कि ये सिक्स बन जाए, सिक्स बन जाए, लेकिन सिर्फ ड्रॉ एक लाइन करनी है, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है ना, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको कि ये सिक्स बन जाए। ये ऑलरेडी दो हैं, इसको अब यहाँ से ऐसा सिक्स कैसे बनाऊं? सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, चलें कुछ नहीं कर रहा तो इस पे दिमाग लड़ाएं सोचें। ये कहाँ कहाँ से लाती हो तुम? बनाए ना अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक चैलेंज आया है, सिर्फ एक लाइन आपको ऐसी ड्रॉ करनी है कि ये सिक्स बन जाए। ऐसा ये यूं आया, ये तो आपको सोचना है ना, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये सिक्स बना, ये सिक्स तो नहीं बना, ये तो क्या हो गया, ये सिक्स काम बना, ये यूं आके ये ऐसा सिक्स हो गया। जी नहीं ये सिक्स नहीं बना है, तो ये सिक्स है, हमारे यहाँ सिक्स ऐसा होता है। अरे ये सिक्स नहीं, ये कहाँ से सिक्स है, ये ये कहाँ से सिक्स लग रहा है? नहीं फिर भी इसमें दो भी तो कर दिए, ये भी कर दिया यहाँ से, ये सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी थी आपको, पता नहीं क्या यहाँ से कैसे सिक्स बना, खराब कर दिया आपने ये, अब दोबारा से बनाते हैं। सही है, एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको सिर्फ और ये सिक्स बन जाएगा। ऐसे कैसे बनेगा इसमें सिक्स? अरे बनेगा ना, सिप्तान को आपको आता है? जी मुझे ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है। वो तो आपको अपना वाला सिक्स आता है मुझे लग रहा है, वो आला, वो आला। मुझे नहीं आते। बताएं नहीं आ रहा आपको?
नहीं यार बहुत मुश्किल है भाई, मेरे को नहीं आ रहा। सोच लिया आपने, हार मानी? हाँ हार मान ली। ऐसे या तो फिर ये कुछ ऐसा कर दे, नहीं होगा ना ऐसे भी तो नहीं होता। ये सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है और ये बन जाएगा सिक्स, SIX6। ये चैलेंज था। अच्छा मैं समझा न्यूमेरिकल सिक्स की बात कर रही। नहीं नंबर वाला सिक्स। SIX6। मुझे क्या पता अल्फाबेट वाला बोलते थे, अल्फाबेट वाला तो मैं अल्फाबेट वाला कर दिया। हार गए आप फिर से आज भी। मैं तो न्यूमेरिकल के समझ रहा था ना कि न्यूमेरिकल सिक्स होगा। हार गए ना आप। हाँ हार गए। SIX6। चलो फेयर है, जीत जाओ जीत जाओ, आप खुश हो। A few moments later. जी तो गाइज मैं सो गया था, समोसे खा के ऐसी नींद आई कि मैं सो गया था। और अब देखते हैं कि क्या सीन है, भूख भी लग रही है। अभी एक कॉल आई दोस्ती तो वो बुला रहा था, ठीक है। और बच्चे यहाँ पर एज यूजुअल लड़ाई झगड़े, इनकी ड्रेसिंग चल रही है। चला इस बार देखते हैं इस बार क्या कर रही है। तो मैं अब हो गया हूँ फ्रेश और इनकी मस्तियाँ अपनी चल रही हैं, रेसलिंग चल रही है इनकी। बहुत लड़ते हैं यार। चलें अब देखते हैं कि आगे क्या है। क्या बन रहा है? आलू के पराठे। आलू के पराठे? ओए होए जबरदस्त जनाब, यहाँ बन रहे हैं आलू के पराठे, तैयारी हो रही है आलू के पराठों की। आपको भूख लग रही है? बहुत शदीद भूख लग रही है, और अब तो आलू के पराठों का नाम सुन के तो और शदीद भूख लगने लग गई। मजेदार, पसंद आया आपको? हाँ जी, तो हम तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। फिलहाल दोस्तों मैं जा रहा हूँ। मैं बताता हूँ आपको कि यार वहाँ तो दोस्त यार इतने सारे हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पाएगा कि उधर मैं जो है ना बना पाऊँ ब्लॉग। हमारा जो है वो यहीं पर ही हमें एंड करना होगा, लेकिन यह है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह आपके साथ हम नज़र आएंगे और मुलाकात करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपकी सपोर्ट की इस वक्त हमें ज़रूरत है। प्लीज़ अपनी सपोर्ट भी दिखाते रहें, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।